Hey everyone, welcome back to my channel. This is me, designer Nusrat Naz, and today's video going to about how to make designer dupatta with gota lace. दुपट्टे के लिए मैंने नेट फैब्रिक लिया है 2 मीटर, टफेटा फैब्रिक लिया है मैंने 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने दुपट्टे का ये जो नेट फैब्रिक का विड्थ बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसका विड्थ कम किया है। मुझे दुपट्टे का विड्थ 37 इंच चाहिए था तो मैंने 37 इंच रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। थर्टी सेवन इंच रखने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर रही हूँ। और ये जो दुपट्टे के लिए मैंने टफेटा फैब्रिक लिया है, इसका मैंने 4 स्ट्राइप कट किया है। स्ट्राइप का जो लेंथ है मैंने 4 इंच रखा है और इसका वेट मैंने रखा है 37 इंच। और ये दुपट्टे का जो आंचल पार्ट है उधर से मैं 8 इंच का 2 पार्ट कट करूँगी और इसके बीच में ये जो स्ट्राइप हमारे पास है मैं उसे ऐड करूँगी। तो स्ट्राइप कट करने के लिए मैंने 8 इंच से फैब्रिक को फोल्ड किया है। इंच का यहाँ पे 2 पार्ट्स मैं कट करूँगी। दुपट्टा को मैंने फोल्ड करके रखा है, दोनों आंचल एक ही साइड पे है तो दोनों पार्ट मेरा एक बार में कट गया, मीन्स यहाँ पे 4 पार्ट्स कटे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं टफेटा का जो स्ट्राइप कट किया था उसे यहाँ से स्टिच करूँगी और इसी तरीके से दूसरा स्ट्राइप भी लगाऊँगी। तो गाइज मैंने इस तरीके से इसका आंचल रेडी किया है और स्ट्राइप लगाने के बाद उसके ऊपर से मैंने गोटा लेस लगाया है। दोनों आंचल हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। दुपट्टे के बॉर्डर पे इसके चारों तरफ मैं गोटा लेस लगाऊंगी। तो मैं इसे आंचल के साइड से स्टार्ट कर रही हूँ और इसे इसके दोनों साइड्स पे और दूसरे आंचल तक इसे मैं लगाऊंगी। जो दुपट्टा में मैंने लेस लगा दिया और ये दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। इसके कॉर्नर पे मैं कुछ लटकन्स लगाऊंगी। तो लटकन बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसे मैं 4 पार्ट में कट करूँगी और इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वो 3.5 इंच का मैं रखने वाली हूँ। तो इसे मैं मेज़र करके दिखाती हूँ। तो 3.5 इंच मैंने इसका विड्थ एंड लेंथ रखा है। इसे एक कोन का शेप बना के मैं इसे कोन का शेप मार्किंग करूँगी और इसे कट करूँगी। अब इसके जो बॉटम पार्ट में जो एजेज हैं इसको मैं बर्न करूँगी ताकि इससे जो थ्रेड निकलते हैं वो थ्रेड ना निकले। तो इस तरीके से मैं इसका जो साइड है उसे बर्न कर रही हूँ। इस कोन के बॉर्डर पे मैं गोटा लेस लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। इसे फोल्ड करके इसके साइड को स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग लगा दी है और इसे मैं अब पलट करके इसको सीधा कर लेती हूँ। इसके कॉर्नर को मैं बहुत अच्छे से निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने जो 3 और था उसे भी रेडी कर लिया है। इसके कॉर्नर पे लगाने के लिए मैंने कुछ बीट्स लिए हैं। कोन की सेंटर पे मैं निडल से स्टिच लगाऊंगी और इसके स्टिच के बाद मैं इसमें 2 बीड्स यूज़ करूँगी एंड जो थर्ड बीड होगा हमारा वो स्मॉल साइज़ का होगा। और इसमें इस तरीके से मैंने 3 बीड्स लगाए हैं।
अब जो दुपट्टा है हमारा, इसके कॉर्नर पे मैं इसे लगा दूंगी। कॉर्नर पे इसे बहुत अच्छे से टक करना है कि ताकि ये निकले ना, तो इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे टक कर ले रही हूँ। तो गाइज इसके चारों कॉर्नर पे मैंने लटकन ऐड कर दिया है और दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। इफ यू गाइज यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।